नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश सिंह और आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश। हैदराबाद में 27 नवंबर को एक वेटरनरी डॉक्टर का गैंगरेप हुआ, उसे जलाकर मार दिया गया। अगले दिन उसकी जली हुई लाश मिली। इस घटना के बाद पूरा देश उबल पड़ा। पुलिस ने घटना के दूसरे ही दिन इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को धर दबोचा। इसके बाद 6 दिसंबर को पुलिस ने चारों आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस घटना के बाद से ही लोग रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले दरिंदों को तुरंत फांसी देने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल भले ही भारत जैसे देश में अपराधियों को सजा मिलने में देरी हो, लेकिन अमेरिका में एक लड़की ने अपने रेपिस्ट को ऑन द स्पॉट सजा देते हुए उसे गोली से उड़ा दिया। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव उत्तर प्रदेश। ये मामला अमेरिका के विस्कोसिन राज्य का है। इससे पहले लड़की ने स्वीकार कर लिया था कि उसने जून 2018 में 35 साल के रैंडी वोलर के सिर में 2 बार गोली मारी थी। जांच अधिकारियों ने माना था कि वोलर ने करीब 6 लड़कियों का यौन शोषण किया था और उसके वीडियो बनाए थे। इनमें एक पीड़ित ये लड़की भी थी। जब लड़की ने कथित रेपिस्ट की हत्या की, उससे करीब 4 महीने पहले ही उसे चाइल्ड सेक्स क्राइम को लेकर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में वह छूट गया। मर्डर के बाद लड़की पर फर्स्ट डिग्री इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया। प्रोसिक्यूटर ने दावा किया था कि लड़की ने पहले से हत्या की प्लानिंग की थी। हालांकि लड़की ने कहा कि उसने बचाव में वोलर पर गोली चलाई। लड़की ने कहा कि जब वोलर ने उसे ड्रग दिया और सेक्स करने की कोशिश की, तब उसने गोली चला दी। हालांकि एक जज ने अपने आदेश में कहा कि लड़की को उसके कानून के तहत छूट नहीं मिल सकती है, जिसमें यौन शोषण के पीड़ितों को छूट हासिल है। लड़की के वकील अब ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। फिलहाल लड़की अभी जेल में बंद है। और फिर उसके घर में ही बॉडी जला दी। अब लड़की को आजीवन कैद की सजा हो सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।